दबूरा। दबूरा से हमारी पहली मुलाकात कुजात की किताब उसके चार बाप में होती है। दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। जिस तरह से शहद की मक्खी अपने काम में फोकस्ड और अपने मिशन पे तब तक बनी रहती है कि जब तक उसे मुकम्मल ना कर ले, कुछ ऐसी ही खूबी हमें दबूरा के किरदार में देखने को मिलती है। दबूरा भी अपने काम में फोकस्ड और खुदावंद के दिए गए मिशन पर तब तक खड़ी रही जब तक उसको पूरा ना कर लिया। खुदावंद ने दबूरा को बनी इसराइल कौम का चौथा काजी मुकरर किया। जिस दौर में खुदावंद ने दबूरा को बनी इसराइल कौम पर काजी मुकरर किया, बनी इसराइल शाहे केनान याबीन के शिकंजा में थी। कुजात की किताब हमें यह बताती है कि यह बनी इसराइल के लिए एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि वो लोग बार बार अपनी बदकारी के सबब से दुश्मन के कब्जा में आ जाते थे, और जब खुदा से माफी मांग लेते तो खुदावंद उनके लिए काजी खड़े करता। दबूरा से पहले अहूद और शमुजर जैसे काजी खुदावंद ने खड़े किए, जिन्होंने बनी इसराइल कौम को रिहाई दिलवाई। मगर अब बनी इसराइल कौम ने फिर बदी की और 20 साल से शाह याबीन के कब्जा में थे। उस वक्त बदी इस कदर ज्यादा थी कि शायद कोई रास्तबाज मर्द नहीं था। चुनाचा खुदावंद ने दबूरा को बनी इसराइल कौम पर नबिया और काजी मुकरर किया। वो लफीदूत नामी शख्स की बीवी थी और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान खजूर के दरख्त के नीचे बैठती थी। तब बनी इसराइल कौम ने दबूरा से रजू किया कि उनका इंसाफ करे। दबूरा ने बनी नुआम के बेटे बर्क को बुलाया और खुदावंद का पैगाम दिया कि वो फौज इकट्ठा करे और शाह याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा से जंग के लिए तैयारी करे। तब बर्क ने दरख्वास्त की कि दबूरा भी उसके साथ जंग में चले। दबूरा साथ चलने पर आमादा हुई, मगर उसके साथ साथ दबूरा ने बर्क पर जाहिर कर दिया कि खुदावंद एक औरत के वसीला से फतह दिलवाएगा। कुजात पांच बाब से पता चलता है कि किस तरह से खुदावंद ने आसमान से बारिश को बरसाकर बनी इसराइल कौम को दुश्मन पर फतह अता की। कुजात पांच बाब में दबूरा ने फतह का गीत गाया, जिसे इब्रानी जुबान की सबसे कदीम शायरी तस्वर किया जाता है। इसी गीत में पहली दफा इसराइल की मां जैसे लकब का इस्तेमाल हुआ। दबूरा ने अपने रवैये से साबित किया कि जैसे एक मां अपने बच्चे की बदहाली देखकर तड़पती है, वैसे ही दबूरा भी बहसियत मां अपनी कौम की हालत को लेकर बोझ से भरी थी। खुदावन के मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में दबूरा और बर्क ने मिलकर कदम बढ़ाए और खुदावन ने दुश्मन पर फतह अदा की। बर्क को किसी खातून की सरपरस्ती में काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जहां दबूरा को बर्क की हिम्मत और हुनर पर एतमाद था, वहां बर्क भी दबूरा की दिल से इज्जत करता और उसे नबिया जानता था। यह दुश्मन पर गलबा पाने की एक खूबसूरत मिसाल है, जहां खुदावंद के बेटे और बेटियां बिला इम्तियाज एक दूसरे के हुनर को सहराते हुए, एक दूसरे को इज्जत देते हुए मिलकर खुदावंद के काम में कदम बढ़ाते हैं, वहां दुश्मन पर गलबा हासिल होता है। दबूरा का किरदार खुदावंद पर ईमान, जुर्रत, जहानत और अपनी कौम के लिए बोझ की एक खूबसूरत मिसाल है, जो आज भी हमें तकवीयत देती और मजबूत करती है।